दीजिएगा। अब आप फंस गए हैं कुंवर प्रताप। अब या तो ये रास्ता हमारी छावनी की ओर जाता है और या फिर सीधे ऊपर। कुछ ही देर में ना ही तुम रहोगे और ना ही तुम्हारी ये छावनी। बच्चे हैं आप कुंवर प्रताप, इसीलिए रहम कर रहे हैं। वरना अगर किसी और ने ये बात कही होती तो कब का हलाल कर दिया होता उसे। तुम हमें मृत्यु से क्या डराते हो इनायत खान? हम अपने जीवन को इतना नहीं चाहते जितना तुम्हें अपनी धरती से खदेड़ देना चाहते हैं। देखते क्या हो, हम अकेले ही तुम सबको धूल चटा देंगे। ठीक है शहजादे, अगर आप खुदकुशी के लिए इतने ही आमादा हैं, तो यही सब। पर याद है, पल भर में मारे जाओ। हो सकता है, पर तुम हमें जीवित नहीं पकड़ पाओगे। तुम हमारा जीवन तो ले सकते हो, पर हमारी स्वाधीनता नहीं। साथियों, हमें उसे बचाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर राज राणा जी, हमारा लक्ष्य ध्वज। ध्वज हमारा लक्ष्य है, क्योंकि वो मेवाड़ का प्रतीक है। लेकिन वो लड़का साक्षात मेवाड़ का भविष्य है। वो बाऊजी राज प्रताप है, मेवाड़ नाथ राणा उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र। हमने उन्हें देखते ही पहचान लिया था। उनके मुख का तेज, रणभूमि में जूझ जाने का उनका उत्साह और मेवाड़ की माटी के लिए मर मिटने की उनकी भावना। ये सब सिसोदिया वंश की गौरवशाली परंपरा का खुला प्रमाण देती थी। हम सबको अपने शौर्य और कौशल हासिल करने के लिए बरसों कठिन अभ्यास करना पड़ा। लेकिन प्रताप बाऊजी राज को ये शूरवीरता धरोहर में मिली है। अगर हम इस धरोहर से हाथ धो बैठे तो बहुत बड़ा नर्क हो जाएगा। हमें उन्हें बचाना ही होगा। जय मेवाड़! जय मेवाड़! तू हमें धूल चटाएगा? हाँ, चल आ जा। नहीं नहीं, ये तो हमें जमीन से खदेड़ देना चाहता है। सारी धूल अब तू चाटना चाहता है क्या? बस बहुत हुआ, मछली जाल में फंसने के लिए तैयार है। जाल डालो। इस गुस्ताख को हम यूं ही घसीटते हुए हमारे हुजूर के पास लेके जाएंगे। मजा आएगा। चलो। जब तक हमारी देह में प्राण है, हमारे बाऊजी राज का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर तुम कुर्बान होने के लिए इतने ही बेताब हो रहे हो तो यही सही। हमला! आप यहां से सीधे रावले को निकल जाइए कुंवर प्रताप। इन गिद्धों की हवा हमें अकेले निकालते हैं। ठीक है राजराणा जी, हम जा रहे हैं, पर रावले की ओर नहीं, ध्वज की ओर। नहीं कुंवर प्रताप, आज जैसा स्वाद तो पहले कभी नहीं आया महारानी साहब। आज के दिन की हर बात निराली है। अब हम
यहाँ से जौहर चौक की ओर चलेंगी अपने अंतिम यात्रा के लिए। ऐसे ही एक यात्रा हम पहले भी कर चुके हैं, जब मायके से सासरे आए तब भी वो एक संसार से दूसरे संसार तक की यात्रा थी, और अब की बार भी हम इस संसार से विदा होकर अगले संसार में चली जाएंगे। खड़ी का मामा महारानी साहब, मौजी राज का पता चल गया है। क्या कहा है वे? महारानी साहब, वो कीर्ति स्तंभ के पास है, राजराणा बहादुर जी की टुकड़ी के साथ लड़ रहे हैं। क्या? ऐसे कैसे? अरे वो श्री जी को जाके बताओ कि तत्काल कुंवर जी को बचाने के लिए सैनिक भेजे जाए। हमें नहीं लगता राणा जी ऐसा कुछ करेंगे। ऐसी ही स्थिति से बचने के लिए राणा जी ने हमारे सारे पुत्रों को दादा भाई मानसिंह के पास भेजा था, पर प्रताप को यह स्वीकार नहीं था, तो अब उन्हें अपने देशभक्ति का मोल भी चुकाना ही होगा। अपने को बचाकर देश को दासता से नहीं बचाया जा सकता। कुंवर प्रताप ने अपने कर्तव्य का चुनाव किया है, और हमें भी अब अपना कर्तव्य करना चाहिए। हमारे काम पहले तमाम होंगे या इन राजपूतों की मरियल फौज? हजूर, जिस रफ्तार से हमारे जंगजू इन बुजलों का सफाया कर रहे हैं, उससे तो ये मालूम होता है कि आपके आम बचे रहेंगे और उदय सिंह की सारी सेना हलाक हो जाएगी। ना 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 ना, उदय सिंह हलाक नहीं होना चाहिए। उदय सिंह अगर हलाक हुआ तो इस जंग का सारा लुत्फ चला जाए। उदय सिंह तो हमें चाहिए ही जिंदा। आदिल यो अपने हाथों से किसी का खून जाया होने देना हमारी तबीयत के सरासर खिलाफ है, मगर उदय सिंह के खातिर हम अपने लिबास पे उनके धब्बे भी बर्दाश्त कर लेंगे। आदिल आदिल, मगर तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें भी अपने लिबास पे खून के धब्बों से नफरत है? अजब, मैं आपको खबर देने आया था कि किले के जनान खाने में सारी औरतें जौहर करने वाली है। जौहर? भाई शौहर तो सुना था, ये जौहर क्या वाला है? हजूर, इतना तो मालूम नहीं, लेकिन इतना पता चला है कि जंग की फतह की खबर उन तक पहुंचेगी और वो सारी औरतें आग में कूद कर जान दे देंगी। आग में कूद जाएंगी? क्या बकवास कर रहे हो? मगर क्यों? सुना है हजूर कि ये उनकी रवायत है। ये कैसी रवायत है आदिल? ये ना इंसाफी है। इतनी कड़ी धूप में इतनी मशक्कत क्या हम आम चूसने के लिए कर रहे हैं? उदय सिंह का वो गुस्ताख लड़का प्रताप, वो तो पहले ही भाग निकला। अब उनकी हत्या ले हम, उनसे भी हाथ धो बैठेंगे हम। इस जंग में फतेह का मतलब क्या रह जाएगा? आम चूसना और गुठलियां गिनना? हमारा मुंह क्या ताक रहे हो आदिल? ताकि समझाओ उनकी बेगमों को कि उनके शौहर को कत्ल करने के बाद भी हम उनको यतीम नहीं होने देंगे। खोखली रवायतों के पीछे, रस्म रिवाजों के पीछे अपने हुस्न की भूल बेकदरी ना करें। हम हैं उनके तबाब के कदरदान, उनके हुस्न के इबादतगार, उनके रूप के पुजारी। हम उनको अपने पलकों से बिठा कर उनकी जरूरत हम पूरी करेंगे। सिंह
चीजें कुछ आर्ट से हुई, लगता है कोई है। कोई भी तो नहीं है महारानी साहब। चलिए कुछ पग की ही दूरी बाकी है। हम भी तो कब से तुम्हारे इंतजार में दुबले हुए जा रहे हैं। आज हम तुम्हारे सारे दुष्चक्रों का अंत कर देंगे शमशान। तायरों की तरह अपनी सेना के पीछे छुप कर क्या बैठे हो, सामने आओ और मुकाबला करो मेरा। मगर इतनी जल्दी भी क्या है? हम कब से देख रहे हैं तुम कितनी कसरत कर रहे हो। थक गए हो, मरने से पहले राहत दो चार सांसें तो ले लो। देखो तुम्हारे साथ कोई ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए, मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। क्या कहते हैं, बैठने के लिए आसन मंगवा दो। हम तो सुकून से बैठ के जंग का तमाशा देख रहे हैं और आम सूझ रहे हैं, मगर तुम तो पसीना बहा रहे हो। हम तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं शम्स खान, तुम तो खड़ी तो खड़ी से ही हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो, लेकिन हम इस पल की प्रतीक्षा उस दिन से कर रहे हैं जिस दिन हमने खुद अपने हाथों से चित्तौड़ के गढ़ की चाबी शेरशाह सूरी के हाथ में दी। उस दिन से ही हमारे दिल में एक कांटा सा गड़ा हुआ है और आज जब वो कांटा निकाल बाहर फेंकने का समय आया है तो तुम कह रहे हो कि हम आराम कर लें। कांटा नहीं निकलेगा, तुम्हारा लम निकलेगा। शम्स खान, अपनी मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ। मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। कैसी रही? अरे कमबख्तो, रस्सी काटो, वो प्रताप ऊपर नहीं पहुंचना चाहिए। Thank you.
अच्छी रही। कणिकम्मा महारानी सा, आपके आदेश से मैं यहाँ आ गई महारानी सा। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भीतर आने नहीं पाएगा, और जब तक मेरी सांस चल रही है आपके जोर में कोई विघ्न नहीं डाल पाएगा। हमें तुम पर पूरा विश्वास है। जय मेवार, जय एकलिंग जी, जय राम, जय एकलिंग जी। फूलों के शेष पर बहुत सोलिए बहने, आज हमारे लिए लपटों की सेज है। जय मेवाड़, जय मेवाड़, महारानी जयवंता की जय, मेवाड़ की जय, एकलिंगनाथ जी की जय, महारानी जयवंता की जय, मेवाड़ की जय, एकलिंगनाथ जी की जय, महारानी जयवंता की जय, महारानी जयवंता की जय, मेवाड़ की जय, एकलिंगनाथ जी की जय, महारानी जयवंता की जय, मेवाड़ की जय, एकलिंगनाथ जी की जय, महारानी जयवंता की। ये थककर सोने का समय नहीं है, अभी हमें सांस है, और जब तक सांस है हमें लड़ना होगा। थककर मरने से, हार कर मरने से तो अच्छा है कि हम लड़कर मरे। भूलो मत कि हमने शपथ ली है कि हम लड़ेंगे या मरेंगे। लड़ते लड़ते तो हम मर भी सकते हैं, लड़ते लड़ते तो हम जीत भी सकते हैं, पर थककर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। उठो साथियों, हमें ध्वज तक पहुंचना होगा। उठो साथियों, उठो, मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए उठो, दासता को मिटाने के लिए उठो। अमृत जिसे समझ आगे बढूं, कहे पिता मुझको मैं जो शासक बनूं, अंग प्रजा का बन इतिहास गढूं। जय मेवार, जय मेवार, जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी। अब अंतिम चढ़ाई के लिए तैयार हो जाओ मेरे साथियों। आदेश दीजिए बाबूजी राज, क्या करना है? हमें
वहां पहुंचना है और बिना रस्सी के।